अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं ज़मीन की नौशीन मल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। जानी जान की टोटी, छोटी छोटी एंड मोटी, सुक्की पतली, सबको बहुत सारा प्यार। लूटी है जमालोपा, लूटी है जमालोपा। ठीक है जी। और अरे सच्चू भाई, आप अपने ससुर को हैं, सुसर को मतलब सल्लू के अब्बा को गाड़ी में वो भी फ्रंट पे बिठा के आइज के हॉस्पिटल छोड़ के आए। और मतलब ना कोई शोर, ना कोई शराबा, ना के थंबनेल इधर लगा इधर लगा इधर लगा इधर लगा, रोला कुछ भी नहीं है। मतलब इतना शोर क्यों नहीं डाला भाई? आपको तो शोर डालना चाहिए था, कम्युनिटी का फोटो डालनी चाहिए थी, कम्युनिटी लगा लगा के, जो कि उनके अपने बच्चों ने उनको इस्तेमाल में लाने के लिए किया। ठीक है जी। असल में ये चीज़ें नहीं होती दिखावे की। आप ब्लॉगर हैं ना, आप जो है ना उस तरीके से व्लॉग बनाएं। मिसाल के तौर अगर ये गए हैं लेने के लिए, तो एक तहम्मुल मिजाजी से, नॉर्मल तरीके से, आम मतलब अगर साजिद भाई के साथ उनका जो दोस्त है, वो जो ड्राइविंग भी करता था, उनके साथ भी इतनी ही वीडियो बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। मिसाल दे रही हूँ, एक व्लॉग का स्टाइल होता है, लिचड़पंती नहीं जिसको कहते हैं कि नॉर्मली तरीके से जो है उन्होंने व्लॉग बनाया और उसके बाद डाल दिया एक बड़े अच्छे तरीके से। खैर बाबा जी का ऑपरेट हो चुका है, उन्होंने टाइम लिया था और बड़ी बात है। साजिद साहब अपने जो है चचा जान जो हो गए ससुर हैं, उनको भी छोड़ के आए, फिर अपने बच्चों को छोड़ के आए। बहुत लंबा सफ़र है, अच्छा खासा सफ़र है, DHA का और हॉस्पिटल का, स्कूल का। तो खैर अच्छा लगा, रिस्पेक्ट करते हैं साजिद भाई और तहम्मुल मिजाजी से जो है काम लेते हैं। तो अब तो शायद हो गया होगा, 2 दिन बाद का डॉक्टर ने कहा था ऑपरेट है बाबा जी की आंखों का। हो सकता है आज हुआ हो सकता है जो है जो कल गुजरा है शायद उस दिन हुआ हो। तो साजिद भाई जैसे कह रहे थे कि मेरा ब्लॉग जो है 1-2 दिन पहले का है, तो मे बी है, अल्लाह करे जो भी काम हो सही हो, साफ सुथरा हो और जल्द से जल्द बाबा जी ठीक हो जाएं, हमारी दुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब ये अपने बाबा के साथ बच्चे वगैरह तीनों गए थे ना, उन्होंने कैमरा नहीं बंद किया था, अब्बाओ। तो वो बातें मतलब वो टाइटल थंबनेल ना, वो बड़े अजीब से डिस्टर्ब करने वाले थे, अजीब से चीज़ें थी। खैर इनको छोड़ें और उसके बाद हम काम बात करते हैं। हाय, खुद को बिजी कर लिया, अब किसी के लिए टाइम नहीं, बस अपना काम काम काम, फिर खूब करें आराम। सितारा जी ने जो है अपना बड़ा अच्छा आज मैसेज दिया और लोगों को बताया कि मैं बिज़ी हूँ। अच्छा कुछ लोग तो अपने आप को भी क्रेडिट दे रहे थे। देखिए ये बचकाना हरकतें हैं, आप लोगों ने आज तक हमें देखा इतना बढ़ चढ़ के मैंने सितारा के लिए ये कर दे? भाई वो नुन्नी काकी बच्ची है, माशाल्लाह समझदार है, हमसे ज़्यादा समझदार है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम इस बंदी से सीखते हैं, खुद समझदार है, बस हमारा क्या काम था उसके दुश्मनों से टकराव करना, ऐसे ही है ना। अब जैसे 2-4 बंदियां जो हैं मुझे ट्रोल कर रही हैं कि भाई देखा दिलबर, भाई दिलबर मेरी फुफी का बेटा है, मेरी चाची का बेटा है, मेरे चाचे का बेटा है, मेरे मामे का बेटा है, मैं उसकी सपोर्ट करूं? और किस चीज की सपोर्ट? चुनिया काकियां मुनिया घुनिया, अब देखो चपेड़ लग गई ना कई सारे लोगों के, सितारा उसके घर गई, ठीक है ना। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं दिल से नहीं गई, दिल से मतलब हो फाड़ के दिखाए तुम लोगों को सितारा, दिल सबके रिश्तेदार होते हैं और हम अपने अपने तरीके से मिलते हैं, अपने अपने स्टाइल से मिलते हैं, ठीक है ना। क्या मतलब वो क्या करे आप लोगों को? और हर इंसान हर एक को खूब पहचानता है, ठीक है ना। ये आप उसकी खाला पुप्पी नानी चाची ना बने कोई भी, ना मैं, वो खुद समझती है, वो खुद बोलती है और वो खुद ही जो है चीज़ों को हैंडल करना भी जानती है, ठीक है। और उसे पता है मैंने किससे रखना है, किसी से नहीं रखना। ये सितारा अपनी मर्जी की खुद मालिक है, हम नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हाँ, जिन जिनको सितारा जी सर्टिफिकेट दे देती हैं या सपोर्ट
करती हैं, हम भी शायद करें या फिर हम भी करते हैं सितारा की वजह से ही और सितारा के मुंह को है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है सितारा जी ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने आप को बिज़ी कर लिया है, मैं अब लिखना शुरू हो गई हूँ और मैं जो हूँ पहले डीप सोचती थी, टेंशन लेती थी, अलग थलग रहना, रातों को जागना है, परेशानी लेनी, बातें सुनना, अब खुल के तो वो बता नहीं सकती थी कि वाईटी पे जो डिस्टर्ब किया जा रहा था या रिश्तेदारों की वजह से डिस्टर्ब किया जा रहा था, हर अलल्ला तलल्ला उठ उठ के ठुंगे मारने की कोशिश कर रहा था। मैं अब हो गई हूँ साइड पे, मैं अब अपना लिखती हूँ डायलॉग्स, अपने दूसरे चैनल पे काम कर रही हैं। अच्छा जी, अब ये भी कोई क्रेडिट ना ले हैं कि मैं कहीं सुन रही थी कि ऐसा कहा जा रहा था, ये क्रेडिट हमारा नहीं है, ये उसका खुद का है, बंदी का, वो खुद अपना क्रेडिट खुद ले यार। हर चीज़ का क्रेडिट सपोर्टर्स हम नहीं ले सकते, ये याद रखें। सितारा को खुद को क्रेडिट जाता है, वो खुद समझदार हैं। ये हमने कहा है कि तुम लिखो, अरे भाई वो खुद लिख रही है, वो खुद समझदार है। आप, मैं कहती हूँ लोगों की आंखें खोल दी इस बंदी ने, इतना अच्छा काम किया, ज़बरदस्त काम किया और स्टोरी लिखी, स्टोरी बनाई, क्रिएट की। और रूही मैम के बारे में पूछा जा रहा था कि रूही मैम की वॉइस किसकी है अरे भाई वो सितारा की है, आपको पहचान भी नहीं है, पहचानो लोगों, पहचान जनाब, वो जो क्या कहते हैं रूही मैम की वॉइस है, वो उनकी अपनी वॉइस है, नहीं है किसी और की, ज़बरदस्त वॉइस है और जो निकाली है और जो बनाई है। और माँ जी के लिए उन्होंने कहा कि अम्मी कर ही नहीं पा रही थी अम्मी का रोल, तो इसलिए वो भी मैंने कर लिया भाई, बहुत ज़बरदस्त था। और उन्होंने जो बातें बताई ना कि मैं अपने आप को खुद ही बिजी कर लिया है कि बैठना, जागना रात को, मतलब सोचे आना है, डिप्रेशन हो जाना, आंखें सूज जाना, सर में दर्द होना, ये चीज़ें बढ़ रही थी इनके साथ। बहुत अच्छा हुआ अपने आप को बिजी किया भाई, ज़बरदस्त सोच है। और अच्छा बिजी भी ऐसा किया कि अपने चैनल के लिए किया, और ये बहुत अच्छा किया आपने, बहुत लोग इंटरटेन हो रहे हैं। और सितारा जी ने कहा कि मैं कॉमेंट पढ़ रही हूँ, इतने ज़बरदस्त अप्रिशिएट करने वाले कमेंट आए यार, बनता है बनता है। अब नहीं कोई कॉपी कर सकता आपको भाई, अब नहीं कर सकता। अब जो है ना आपके रिलेटिव जो है, रिश्तेदार, वो आपको अब ट्रोल नहीं कर सकते, कॉपी भी नहीं कर सकते। ट्रोल तो कर सकते हैं लेकिन इस तरह का काम कॉपी नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आपने मसरूफ़ कर लिया, और मैं जो है अपना काम करती हूँ और काम बच्चों को टाइम भी देती हूँ और लिखती भी हूँ। सितारा बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, अपने आप को वाकई बिजी कर लिया है और लिखते हुए भी दिखाया है कि वो अपने डायलॉग्स लिख रही हैं ताकि वो जब वो परफॉर्म करें भूल ना जाएं, तो अपने तरीके से स्टोरी बना रही हैं। यार 5-7 लोगों का काम अकेली बंदी कर रही है, तो ये ज़्यादा खुशी है, अच्छा लग रहा है। आई अप्रिशिएट यार, लव यू हो गया कुड़िए। तो ऐसे ही हैप्पी हैप्पी रहें, खुश रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ऐसे ऐसे आप तरक्की करती रहें, आप फूलें फैलें, मतलब खुश खुश रहें। लेकिन आपका काम यार ज़बरदस्त बोलता है, काम बोलता है और काम ने बोल दिया। सितारा का आसमान जिन्होंने नहीं देखा, प्लीज़ वो लाजमी जाएं देखें। और स्टोरी सितारा की थर्ड एपिसोड जो आया है तो बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।